सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने गिरिडीह में कहा कि कृषि बिल को लेकर किसानों और जनता को भाजपा की मोदी सरकार गुमराह कर रही है। उन्होंने गिरिडीह सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। डॉक्टर अजय कुमार ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। डॉक्टर अजय ने कहा कि किसानों के साथ धोखा देने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। किसान विरोधी बिल लाकर भाजपा झूठा प्रचार प्रसार फैला रही है। डॉक्टर अजय ने कहा कि चीन ने भारत की 1200 किलोमीटर जमीन छीन ली, लेकिन इस पर न तो भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, न ही रक्षा मंत्री। अमेरिका के रक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं। भाजपा सरकार भारत को बर्बाद करने में जुटी है। लोगों की नौकरी जा रही है, रोजगार खत्म हो रहा है। उन्होंने हाथरस की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केड़िया, अजय सिन्हा, नवीन आनंद चौरसिया, समीर राज इत्यादि लोग मौजूद थे। गिरिडीह से नवाज राजा की रिपोर्ट। एक मुद्दा है किसान बिल पर। किसान बिल में संक्षेप में यही बोलना चाहूंगा कि बिहार में किसान बिल 2004 से लागू है, तो किसान की स्थिति क्या है, तो इनकी तो झूठ जो है वहीं से जो बेनकाब हो जाएगी। इस देश में जो है 95% किसान जो है अपने उपज को सिर्फ अपने जिला में बेचते हैं, और मोदी जी बोलते हैं जाकर त्रिवेंद्रम में बेचो। इस देश के 85% का 2 हेक्टेयर जमीन से नीचे है, वो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए खेती करते हैं और बाकी जो छोटा मोटा अपने गांव में आसपास में बेचते हैं। तो ये किसान बिल कांग्रेस ने हमेशा कहा कि आप MSP फाइनल कर लीजिए। इस बिल से सिर्फ उनके उद्योगपति दोस्तों को फायदा होगा। दूसरा, चीन ने 1200 किलोमीटर कब्जा कर लिया इस देश का, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। चीन ने 60,000 सिपाही को जो है सीमा पर जो है तैनात कर दिया, उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री मौन है। 1200 किलोमीटर इस देश के भारत माता की जमीन चली गई। चौथा, हाथरस में आपने बेटी का लाश जलाया बिना अंतिम संस्कार का। जलाया आपने इसलिए जलाया क्योंकि वो दलित लड़की, और आप इस तरह के अत्याचार लगातार जिस तरह से समाज पर कर रहे हैं, वो देश के जो है पूरे देश की जनता संवेदनशील लोग देख रहे हैं। पांचवा, कि फकीर साहब ने 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, ठीक है, अगर आप उसको देखोगे तो लगता है कि वो ताजमहल उड़ता हुआ ताजमहल है। 8,400 करोड़ का उसका ड्राइंग रूम या सर्किट हाउस के बराबर ही होगा वो हवाई जहाज का प्लेन, लेकिन फकीर है ना, तो अखबार पूछेंगे ना कोई पूछेगा, लेकिन फकीर साहब है कि 8,400 करोड़ है। और राहुल गांधी जब एक गद्दा पर बैठ जाते तो सबको पेट में दर्द हो जाता है, ट्रैक्टर में गद्दा क्यों लगा। तो ये सब 5 प्रमुख विषय हैं। और जहाँ तक बर्मो की बात है, दुमका की बात है, आप देख लीजिएगा कि एक शानदार जीत होगी।